हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य, स्वागत करता हूँ नई वीडियो के अंदर गाइस। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किया सोनेट के 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि आपको टॉप 3 वेरिएंट के अंदर अवेलेबल होता है, HTX, HTX प्लस और GTX प्लस। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आप कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बात करेंगे इस वाले वेरिएंट के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं, ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आप देख सकते हो, ये आपको नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है। दूसरा ऑप्शन आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपको जो मीडिया कनेक्ट होता है वो आपको इसके अंदर मिलेगा। तीसरे ऑप्शन में आपको टाइम बताता है, आप अगर जो स्वाइप करते हैं आप देख ही सकते हो, आपको ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। आइकन पहला मिलता है मैप का, नेविगेशन आप देख ही सकते हो, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये बेसिकली लाइव मैप है, आप जैसे देख सकते हो नेम, एड्रेस बुक, किया सर्विस सेंटर और रूट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, हिस्ट्री, इमरजेंसी, किया डीलरशिप, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल होगी। आपको रूट एडिट भी कर सकते हैं, ट्रैफिक के बारे में आपको बताएगा, जैसे कि मैंने बताया था ये लाइव नेविगेशन रहेगा और वोडाफोन का कनेक्शन इसके अंदर आता है। सेम ये जो दूसरा ऑप्शन है मैप और नेविगेशन सेम ही होता है। थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको फ़ोन कनेक्ट का, जिसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। और ये देख सकते हो 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड सेटिंग और कैंसिल। सेटिंग में आप जाते हो तो आपको और ज़्यादा सेटिंग्स इसके अंदर मिल जाती हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन में आप जाओगे, जैसे पेयर है, आप ऑल मार्क करके सारे डिलीट भी कर सकते हो। जो फोर्थ ऑप्शन मिलता है आपको इसमें, जो कनेक्टिविटी है यूवो कनेक्ट आपको मिलता है इसके अंदर, वही जो किया कि कनेक्ट टेक्नोलॉजी आती है। ये आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा आप फिफ्थ ऑप्शन देखते हो, इसके अंदर आपको मिलता है एयर प्यूरीफायर का, जो कि सेल्टॉस में हम पहले देख चुके हैं। सेम बिल्कुल वही आपको मिलता है, जिसमें आप ऑटो कर सकते हो, स्पीड अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर पीछे की स्क्रीन आप बंद और चला सकते हो, और ये कुछ इसके अंदर फिल्टर मिलते हैं, उनको आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। EQI इसके अंदर बताता है आपको। ऑफ भी यहीं से होगी और ऑन भी यहीं से होगी, आप देख ही सकते हो। सिक्स्थ ऑप्शन आपको मिलता है रेडियो का, आप इसमें चैनल सेट कर सकते हो, FM, AM, ये ऑप्शन मिल जाता है आपको। कोई मीडिया कनेक्ट है तो आपको स्टीयरिंग पे भी इसमें बटन मिल जाता है मोड का, तो वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ये आपको मीडिया का मिल जाता है, कोई मीडिया कनेक्ट नहीं है, USB है भी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, आप जैसा कि देख सकते हो। साउंड मूड लाइट ऑप्शन मिलता है, काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी सारी थीम मिल जाती हैं आपको, देख ही सकते हो। म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आप नाइट लाइट चाहते हो वो होगा, आप ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो यहीं से, और मोनोटोन भी मिल जाते हैं इसमें, आप ये भी देख सकते हो। सेम नीचे वही आपका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, और म्यूज़िक के साथ जलनी है या बुझनी है वो चीज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें, आप देख सकते हो। फिर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से लूप बंद भी कर सकते हो। सेटिंग के ऑप्शन में आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन आपको साउंड का मिलता है, आप पोजीशन वगैरह आप देख सकते हो इसके अंदर। बॉस की ब्रांडिंग भी की हुई है, क्योंकि ये GTX प्लस मॉडल है तो बॉस के स्पीकर आते हैं। साउंड ट्यूनिंग कर सकते हो इसके अंदर आप, वॉइस रिकॉग्निशन आता है इसके अंदर, वही अपना हेलो किया जो आप देखते हो, डिवाइस कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, व्हीकल के ऑप्शन इसके अंदर आ जाते हैं, आप देख ही सकते हो। पार्किंग सेफ्टी इसके अंदर आपको मिलेगी, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग, ऑटो ऑन वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, क्लाइमेट आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो।
लाइट्स में आप कर सकते हो ऑटोमेटिक हेडलैम्प, लेन चेंज इंडिकेटर आप कर सकते हो, 5 टाइम फ्लैश करेगा, 7 टाइम या 3 टाइम, या ऑफ भी कर सकते हो। डोर्स की आप बात करते हो तो आपको डोर ऑटो अनलॉक होना है नहीं होना है वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो। कन्वीनियंस में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी आप ऑफ ऑन कर सकते हो। मिरर्स के लिए भी आप जैसे आप लॉक अनलॉक करते हो, मिरर्स ऑटो क्लोज एंड ओपन होते हैं, वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन सेम है और डिस्प्ले आप देख ही रहे हो, इसमें आप ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कम ज़्यादा। ब्लू लाइट भी कर सकते हो जो कि आँखों की प्रोटेक्शन के लिए है, ये ऑप्शन भी आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। और बटन्स में आप अपने अकॉर्डिंग बटन्स भी इसमें आप कर सकते हो एडजस्ट। जनरल सेटिंग में अगर जो हम बात करते हैं, आपको काफ़ी सारे सिस्टम सेटिंग्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। कीबोर्ड किस तरह का चाहते हो, QWERTY कीपैड चाहते हो या फिर ABCD वाला आप चाहते हो, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। जब आप नेविगेशन के लिए लोकेशन डालोगे तो वो चीज़ आप उस चीज़ के लिए आपको कीपैड की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट ऑप्शन मिलता है मैनुअल का, तो आप देख ही सकते हो, इस आप QR कोड को स्कैन करोगे तो आप किया की वेबसाइट पे जा सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और सारे फीचर के बारे में जान सकते हो। तो ये आप जैसे देख सकते हो, यूवो अभी ये इस कार के अंदर कनेक्ट नहीं है, अदरवाइज़ यूवो के सिग्नल आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी इसके अंदर आपको मिलती है। तो कैसी लगी वीडियो गाइस, बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं और आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।